विविधा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, पारंपरिक लोक कलाओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। विभिन्न अवसरों पर इन लोक कलाओं का उपयोग होता ही होता है, चाहे वो टेराकोटा के रूप में हो या दौरी मौनी जैसा कि स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं। शादी विवाह के मौके पर भी इसका इस्तेमाल होता है। कुम्हार द्वारा बनाए गए जो मिट्टी के बर्तन हैं, इनका भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से कालीन का व्यवसाय है, वो भी लोक कला से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लोक कलाओं से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, इनका उपयोग किस तरह से किया जाए, इसको किस प्रकार से इनका बाजारीकरण किया जाए, और अगर किसी तरह की कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो कहाँ से उपलब्ध होगा, और इसका विपणन किस प्रकार से किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें, तमाम जानकारियाँ जो हैं हमारे जो गांव के लोग रहने वाले हैं उनके लिए आवश्यक होती हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में सेवा भारती के संपर्क प्रमुख श्री योगेश पांडे जी को, और इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री दिवाकर चतुर्वेदी जी। विविधा कार्यक्रम में आप सभी प्यारे दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, भरत नीति शतक में एक वाक्य कहा गया है, साहित्य संगीत कला भीना साक्षात पशु पुंछ विषाणहीना। अर्थात जिस मनुष्य के जीवन में संगीत का कोई स्थान नहीं, साहित्य का कोई स्थान नहीं, कला का कोई स्थान नहीं, उसका जो जीवन है वह साक्षात बिना सींग और खुर वाले पूंछ वाले पशु के समान है। अर्थात कला हमारे जीवन को संवर्धन प्रदान करती है, और यह हमारा सौभाग्य रहा है शुरू से कि हम ऐसी मिट्टी में पैदा हुए हैं जो हमेशा से कला के संवर्धन की बात किया करती है। वो प्रेरणा देती है पूरे जगत के लिए, पूरे विश्व के लिए, चाहे वह गुप्त काल रहा हो, मौर्य काल रहा हो, मुगल काल रहा हो, यहाँ तक कि वर्तमान की भी बातें करें तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से संस्थाओं के माध्यम से कला के संवर्धन के क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। कला संवर्धन की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में ही इस विषय पर बातचीत के लिए हम आमंत्रित किए हैं श्री योगेश पांडे जी को, जो संपर्क प्रमुख हैं सेवा भारती सामाजिक आयाम के। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आइए हम सबसे पहले उनसे करते हैं मुलाकात। पांडे जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पांडे जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम योगेश पांडे है जी। मैं सेवा भारती सामाजिक आयाम का संपर्क प्रमुख हूँ। निवास हमारा मूलतः बिशुनपुरा बाबू चौरी चौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है जी, और शहर में मैं नौका विहार के आसपास रहता हूँ। पंडित जी, कला के संवर्धन के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे जो भी हमारी लोक परंपरागत कलाएं हैं उसके संवर्धन के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए, और कौन कौन सी कलाएं विलुप्त हो रही हैं, इन सब सारे क्षेत्रों में आप अच्छा काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जुड़ने के लिए आप कैसे जुड़े यहाँ पर, कि आपके कोई ऐसा उदाहरण आपके जीवन में आया या किसी से प्रेरित होकर के कैसे इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया आपने? सबसे बड़ा, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कहा, हमें मिट्टी देख करके बचपन से ही आकर्षण लगता था। अच्छा। मैं मिट्टी में ही खेलता था, मिट्टी का घर बनाना, खिलौना बनाना। एक बार मैं ऐसे जा रहा था महाराजगंज की तरफ, तो रास्ते में गुलहरिया बाजार है, वहाँ मुझे कुछ युवक वर्ग मिट्टी टेराकोटा का काम कर रहे थे, मिट्टी का ही खिलौना उन्होंने बना रहे थे। मैं गाड़ी रोका और उतर गया। अच्छा। फिर उनसे देखा तो हमारे संगठन में मतलब एक भाव होता है सेवा बस्ती की तरफ हम लोग ज्यादातर अपना समय व्यतीत करते हैं। उनसे पूछा क्या बनना, तो देखा तरह तरह के हाथी घोड़े तरह तरह के खिलौने थे। फिर मैं महाराजगंज तो नहीं गया, मैं उसी दिन वहीं रह गया, और वहाँ गुलहरिया, भरवलिया, औरंगाबाद, जंगल एकला नंबर दो, हाफिज नगर के क्षेत्रों में भ्रमण किया, वहाँ के युवाओं से मिला और बड़ा अपनत्व लगा। फिर मैं उन्हीं लोगों के साथ रह गया और उस मिट्टी को लेकर के मैं कला का रूप दिया और जगह जगह उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, फिर मैं उसमें लगा काम करने। मतलब वहाँ से आपका जुड़ाव बढ़ गया और आपने निश्चित कर लिया कि अब हमको इस क्षेत्र में ही काम करना है। पंडित जी, जब हम कला की बात करते हैं और खास करके अगर पूर्वांचल के बेल्ट की जब हम बातें करते हैं, तो हम आपके माध्यम से, चूँकि उसमें आपका अनुभव अब कुछ बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तमाम कला के क्षेत्रों में आप अपने दखल दे चुके हैं, उनके संवर्धन के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख कलाएँ हैं जो आज उर्वरा हैं, मतलब वो अच्छी स्थिति में आ चुकी हैं?
अब देखिए गोरखपुर का टेराकोटा तो जन जन तक आप जान चुका है, और इसमें मैं अपने परम पूज्य महाराज जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि गोरखपुर से जब वो चुन करके लोकसभा में जाते थे तो हम लोग मेला प्रदर्शनियों के लिए लेटर लिखवाने के जाते थे कि हमें वहाँ एग्जीबिशन मिल जाए, प्रदर्शनी मिल जाए। महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए तो सबसे पहले उन्होंने पूर्वांचल के शिल्पियों को एक दिया ODOP योजना के तहत, इसको एकदम विस्तार दे दिया जी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। अब वो बाकी लोग इस चीज़ का समझे कि नहीं समझे, लेकिन जब इसकी जानकारी हमें हुई तो मैंने अपार खुशी हुई कि वाकई में जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जमीन का ही काम करता है। सही बात। उन्होंने ODOP दिया, बहुत बड़ा काम किया। इसके बाद यहाँ जो कला है जैसे सिक्की क्राफ्ट आप बचपन में देखे होंगे, डलिया मोहनी का बचपन बहुत भुजा उजा लोग खाते थे। सिक्की क्राफ्ट, एक गणपत का चौरी चौरा बेल्ट हुआ सरदार नगर, एक पूरा कछार बेल्ट हुआ कुशीनगर तक सिक्की पूर्वांचल, बेल्ट, हाँ सिक्की का ये पूरा बेल्ट है। सिक्की बेल्ट मतलब उसके थोड़ा सा भी हम विस्तृत रूप में उसको जानना सिक्की चाहेंगे। मैंने जो सीख से मूझ, अरे आप जैसे जान सकते हैं कि डलिया मौनी टोकरी कुछ लोग बोलते हैं, शादी विवाह में जब लड़कियां अपने घर जाती हैं, बहन जब हमारी मतलब दुल्हन के रूप में आती है तो पहला पैर उसी में डालते हैं लोग, पांच पैर स्पेशली उसमें डाला, और उसमें एक संदेशा डाला जाता था। उनके जो डिजाइन होते थे, कोहबरवा है, इमलीहवा है, पुरहवा है, लछहुआ है, चलहुआ है, चलहुआ, मैंने ये ऐसे डिजाइन होते हैं जो कंप्यूटर नहीं बना सकता, मतलब मांगलिक कार्यक्रमों से रिलेटेड उसमें बहुत सारे मतलब हर डिजाइन काम। होते हैं। अरे इतना ही नहीं, उसका महत्व तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हनुमान चालीसा में कान्हे मूंज जनेऊ साजे एक प्रसंग आता है, हनुमान जी इतने ताकतवर थे और मूंज का जनेऊ पहरे हुए हैं, भगवान राम कूस के चटाई पर इस पर बैठे हुए हैं, उस कूस का कितना महत्व है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के व्यक्ति के अंतिम यात्रा तक उसका प्रयोग हुआ है, मकान का तोरण द्वार तक मूज से बनाया गया था। तो ये हमारे कल्चर में शुरू से इसका महत्व, धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है, और इसका इसी से अंदाजा और भी लगा लीजिए कि इसका खाद और पानी, कोई खाद नहीं, केमिकल नहीं है, इसका आग है, इसको जितना जलाते हैं उतना ही विस्तार रूप में ये फैलता है, इसीलिए इसको पवित्र माना जाता है। इसका पैंती लोग पहनते हैं कि थोड़ा सा पैंती पहन लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है, वो मतलब वो मान लिया जाता है कि पवित्र हो गए हम। तो हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है, वो बेशक बात है लोग इसका उपयोग कम कर दिए, बहने जब शादी होता है तो सिंहोरा को उसी में रखा जाता है। पंडित जी, सिंघोरा का आपने जिक्र किया तो हम थोड़ा सा लकड़ी की तरफ हम रुझान करेंगे कि पहले हम लोग देखते थे बचपन में लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी से रिलेटेड और घर में सदुपयोगी चीज़ें, मतलब तो क्या उस क्षेत्र में भी बाहुलता है, क्या उस क्षेत्र विशेष में भी लकड़ी के जो उद्योग हैं खिलौने के, स्थिति इस समय क्या है उसकी? आप बचपन में लट्टू नचाए होंगे, जी लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लकड़ी का बहुत बड़ा, वुड क्राफ्ट का बहुत बड़ा सेंटर हमारा आपका पांडे हाथा हुआ करता था। यहाँ से बच्चों के लिए तमाम लड़िया हुआ, बच्चों का खिलौना हुआ, लकड़ी के बनाए जाते थे। आधुनिकता थोड़ा सा आया, लोग ओवर हो चुके के प्लास्टिक का सामानों का उपयोग चालू किए, जिसकी वजह से उसका लोगों ने उपयोग बंद किया। सरकार ने बहुत प्रयास किया इसको बढ़ाने के लिए, आज भी कर रही है। अब इस बार ODOP में कुछ इस टाइप का और बनाया जाएगा जो इसको भी समेट करके एक साथ, जो पारंपरिक, महाराज जी ने तो एक बार बोला भी है कि पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना है, तो पारंपरिक उद्योग में ये सब चीज़ को हम लोग समाहित करके प्रयास करेंगे कि हम इस पर एक अलग क्लस्टर बना करके इस पर हम लोग काम करेंगे। और रही हस्तशिल्प, यहाँ पर जो स्कोप की बात, तो जैसे गोरखपुर का एक तरफ मान लीजिए टेराकोटा हो गया, यह सिक्की क्राफ्ट हो गया, ये वुड क्राफ्ट हो गया, अभी जिस कालीन पर हम बैठे हुए हैं अपने स्टूडियो में, जो इस कालीन लगा है, भदोही से एक समय था कि भदोही से बड़े पैमाने पर यहाँ काम होता था न चटिया में, ये महाराजगंज जनपद के बगल में निचलौल ब्लॉक का एक गांव चटिया है, वहाँ बहुत आर्टिजन रहे हैं, हम वहाँ पर व्यक्तिगत गए हैं, हम लोग सर्वे भी किए हैं, पंजा दरी का काम वहाँ बहुत अच्छा हो सकता था, होता रहा है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक उपेंद्र पांडे रहे हैं उस समय, मैं उनके साथ उस गांव में गया हूँ। हमारे वो असिस्टेंट डायरेक्टर, अभी तो इस समय असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला जी, वो उनके साथ हम उस गांव में कार्यक्रम किए हैं, देखे हैं हम लोग, उसका भी अच्छा स्कोप है। स्क्रैप क्राफ्ट एक आता है, आप जानते होंगे घरों में किसानी
के वक्त जब खेती बारी होता है, इस समय चूंकि घर घर दौरी होता है, तो गेहूं और धान को चालने के लिए आखा और चलनी का प्रयोग होता है। यहाँ बगल में आपके गुलहरियाँ बाजार के बगल में हाफिज नगर गांव है, उसमें गांव पूरा गांव के लोग इस क्राफ्ट में काम करते हैं। जैसे आपने विविध तरह के कला की बात की, तो हम क्षेत्र विशेष जानना चाहेंगे कि आखिर हर एक कला का एक क्षेत्र विशेष होता है, जहाँ पे उसके बनाने वाले और वहाँ के उत्पादन में बहुलता होती है, मतलब बहुतायत रूप से उसको प्राप्त किया जाता है। तो उन क्षेत्रों का भी थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए जो पूर्वांचल में है, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में है, चाहे उससे अगल बगल के जिलों में है, ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब अगर आप देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में, जैसे आखा उद्योग का मैंने बताया, आखा और चलनी के बारे में बताया, आपका हाफिज नगर गुलहरिया क्षेत्र हो गया, और से एक आता है जो कत्तिन बुनकरों का एक बहुत बड़ा बेल्ट हमारे क्षेत्र में है, बस जस्ट हमारे जनपद के बगल वाला हिस्सा है अम्बेडकर नगर का, उसमें तमाम गांव-गांव में जाएंगे, मऊ में जाएंगे, वहां कत्तिन बुनकर आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल सकते हैं। शहर में गोरखनाथ साइड में हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं, बुनकर लोग हैं, इनके हुए बनाए हुए, अब तो खैर महाराज जी ने ODOP में उसको भी ले लिया है, और इसका एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा कि अब सारे लगभग अब जिंदा हो गए, जो एकदम निराश बैठे हुए थे अपने अपने घरों में, क्योंकि जो जाता होगा वो कागज की पूर्ति करके लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन जब से ODOP का नाम सुन करके हर क्षेत्रों में हर डिस्ट्रिक्ट का जैसे विकास हो रहा है, तो ODOP आ जाने से एक क्रांति मच गई है। आर्टिजन अब बना रहा है, उसको एक स्कोप दिखाई दे रहा है कि अब मुझे मेला मिलेगा, प्रदर्शनी मिलेगा, हमारे उत्पाद को वहाँ तक तो पहुँचाया जाएगा, और इससे बड़ा मतलब उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आ गई है। अच्छा देखिए, पॉजिटिव ऊर्जा की अब बात की कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये जाता है कि उनको बाजार मिल रहा है। तो आप चूंकि आप भी प्रदर्शनी के माध्यम से, चाहे उनके साथ जुड़ करके उसके माध्यम से आप अनुभव करते होंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज की जो वर्तमान स्थिति है, किन कला को लेकर के उनका बाजार स्ट्रांग है आज? हाँ, इसके लिए हमारे अक्सर संगठनों में जब बैठक होती है, चर्चा होती है, जैसे हमारे सेवा भारती के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, हमारे क्षेत्र सेवा प्रमुख श्रीमान नवल जी भाई साहब, और ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जन जब हम लोगों के साथ बैठते, तो इस पर विशेष फोकस होता है जो हमारी मातृमंडली द्वारा उत्पादित सामान है, जैसे काथा वर्क ही मान लीजिए गुदरा, उसको गाँव में लोकल लैंग्वेज में बहुत ही प्रचलित मात्रा में है गुदरा, वो काथा वर्क से जो सामान बनता है उसको मार्केटिंग के लिए हम लोग जिला उद्योग केंद्र, भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट हैंडीक्राफ्ट है, फिर उसके बाद MSME द्वारा उत्पादित जो NSIC वाला, ऐसे तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनसे हम लोग संपर्क में भी हैं, संपर्क में भी रहते हैं, उनको चिट्ठी और पत्री के माध्यम से हम वहाँ तक मार्केटिंग के लिए लेकर के जाते हैं। पांडे जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारगर्भित परिचर्चा में बातचीत के लिए आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। दर्शकों, इस बातचीत के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर, और इसमें हम आनंद लेते हैं सुगम संगीत का, कलाकार हैं राजेश पुवैया, और इसके साथ हमको दीजिए इजाज़त, अगले कार्यक्रम में पुनः होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारी याद से दिल बेकरार आज भी है, दिल हजी को तेरा इंतजार आज भी है, कभी जो पीती तेरी मस्त मस्त नजरों से, उसी शराब नजर का खुमार आज भी है। समझे
मेरी नजरों का तकाजा क्या है, तुम न समझे मेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी जलवा कभी पर्दा ये तमाशा क्या है, तुम न समझे मेरी नजरों का तकाजा क्या है। मखमूर निगाहों के मजे लेता हूँ, तेरी मखमूर निगाहों के मजे लेता हूँ, वरना साकी तेरे मैं खाने में रखा क्या है, वरना साकी तेरे मैं खाने में रखा क्या है, तुम न समझे मेरी नजरों का तकाजा क्या है। दीवाना बनाया है मोहब्बत ने हमें, इतना दीवाना बनाया है मोहब्बत ने हमें, ये भी मालूम अब तेरा तमन्ना क्या है, ये भी मालूम नहीं अब तेरा तमन्ना क्या है, तुम न समझे मेरी नजरों का तकाजा। सा बदन ले के मेरे पास ना, ये सुराही सा बदन ले के मेरे पास ना, मैं शराबी हूँ शराबी का भरोसा क्या है, मैं शराबी हूँ शराबी का भरोसा क्या है, तुम न समझे मेरी नजरों का तकाजा क्या है।
पास रहता है, पास रहता है, दूर रहता है, पास रहता है, दूर रहता है, दिल में कोई सुरूर रहता है, जब से देखा है तेरी आंखों को हल्का हल्का सुरूर रहता है। बुझाओ शराबी मौसम है, हमारी प्यास बुझाओ शराबी मौसम है, जरा करीब तो आओ, जरा करीब तो आओ, शराबी मौसम है, शराबी मौसम है, हमारी प्यास बुझाओ, शराबी मौसम है। तमाम इश्क महकता है भीगे पानी में, तमाम इश्क महकता है भीगे पानी में, तमाम इश्क महकता है भीगे पानी में, ना इसमें एक रात का आलम गुजर न जाए कहीं, एक रात का आलम गुजर न जाए कहीं, ये महक रात का आलम गुजर न जाए कहीं, नजर नजर से पिलाओ ओ, जरा नजर से पिलाओ शराबी।